ओके सो हेलो एवरीवन, लोन वुल्फ दिस साइड। वेल, मैं पहले अपने बारे में बता दूँ। मैं BGMI खेलता था, मैं कॉम्पे प्लेयर था। मैं T1 पेड ये सब का एक्सपीरियंस प्लेयर हूँ। ये सब मैंने 1 साल का T1 और पेड खेल चुका हूँ, मैंने इतना एक्सपीरियंस है मेरे को। तो आप लोग जानते हैं, काफ़ी टाइम से BGMI का कोई सीन समझ में आ नहीं आ रहा है। बैन है काफ़ी टाइम से, लगभग आई थिंक 5 से 6 महीने हो गए, ना कुछ अनाउंसमेंट आ रहा है। 15 जनवरी को सब वेट कर रहे थे कि कुछ अनाउंसमेंट आएगा, कि गेम वापस कब आ सकता है, लेकिन उस टाइम पे अनाउंसमेंट कुछ भी नहीं आया था। और अभी जहाँ तक सुनने को मिल रहा है, स्काउट और ग्लोबल ई-स्पोर्ट्स के जो मैनेजर हैं, शायद रुशिंद्र सिन्हा, उनसे कि मे बी मार्च में अनाउंसमेंट आएगा कि गेम कब आएगा। तो उसके लिए अब वेट तो कर नहीं सकते हैं। तो मतलब बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स हैं जो कि वेट नहीं करना चाहते हैं, और बहुत सारे प्लेयर्स हैं जो कि वेट कर सकते हैं, लेकिन मैं उनमें से हूँ जो वेट नहीं करना चाहता। ऑफकोर्स उतना टाइम नहीं है। तो अभी इसमें हमें मैं BGMI से न्यू स्टेट में शिफ्ट हो गया, जो कि इसका सबसे क्लोजेस्ट सब्सिट्यूट है। मतलब एक तरह से आप बोल सकते हो ये PUBG PC के ऐसा ही है। तो अभी अपन वही खेल रहे हैं और देखते हैं, अभी BGMI जब आएगा तब देखा जाएगा, लेकिन फ़िलहाल के लिए हम लोग न्यू स्टेट में ही खेलेंगे। और इसमें ट्रेनिंग के लिए मैं काफ़ी टाइम से इसके स्क्रिम्स वगैरह खेल रहा, तो अब इसमें ट्रेनिंग के लिए ड्रिल्स जो मैं प्रैक्टिस कर रहा वो मैं कंटिन्यूसली डालूंगा कुछ दिन के लिए। तो इसमें मैं पहले गन्स ले ले रहा, 2 गन्स लेने हैं अपने को, M6 और M4। और इसमें हमें अनलिमिटेड एमोज मिलते नहीं हैं, तो हम लोग को एमोज उठाना पड़ेगा, तो पहले वो उठा लेते हैं। एमओज और कोई भी अटैचमेंट नहीं लेना है, सिर्फ एक्सटेंडेड मैग लेना है और कुछ भी नहीं, और एमओज आपको फुल कर लेना है। आज मैं आपको कुछ ड्रिल्स बताऊंगा जो कि आपका एम अच्छा करने के लिए, हेड पे स्कोप ओपन हो, ऐसे ड्रिल्स बताऊंगा। तो आप इसको कुछ टाइम के लिए प्रैक्टिस करना। मैं पिछले 1 वीक से 10 दिन से कर रहा हूँ, जिसके लिए काफ़ी अच्छा है मेरे को, मेरा बहुत अच्छा इम्प्रूव हुआ है मेरा एम। स्कोप ले लेता हूँ, मैं स्कोप लेना भूल गया था। रेड डॉट तो इसमें सारे गन्स में ऑलरेडी लगा हुआ होता है, थॉमसन को छोड़ के। तो थॉमसन को कस्टमाइज़ करना पड़ता है, तभी वो उसमें आप कोई स्कोप लगा सकते हैं। इसमें M6 और M4 दोनों एक ही ऐसी है। सबसे पहला ड्रिल जो हम लोग का होगा वो होगा हेड पे स्कोप ओपन करने का। ऐसे आपको प्रैक्टिस करना है, इससे आपका हेड पे ज़्यादा वो स्कोप सीधा ओपन होगा, आपका शॉट्स सीधे आपके हेड पे लगेंगे। आप अलग अलग टारगेट्स को ले सकते हैं, मूविंग टारगेट्स हो गए, और आपको ऐसे ही क्राउच अप करना है, फायर क्लोज फिर डाउन। ये डीजे में बहुत जन प्रैक्टिस करते थे ऐसे अपना एम को सही करने के लिए। ये बहुत अच्छा ड्रिल है, इससे आपका मतलब सीधे हेड पे स्कोप ओपन होगा, और बंदा 2-3 आपको स्प्रे डालना भी नहीं पड़ेगा, बस स्प्रे डाउन होगा, जैसे DP का बहुत वैसे डाउन हो जाएगा। तो ये ड्रिल है, आप देख लो एक बार इसको अच्छे से। आपको इसको पीक कर करके भी ट्राई करना है।
आपको वो ड्रिल के बाद आप ये भी प्रैक्टिस कर सकते हो। ये चीज़ आपका सेम चीज़ है, इसमें बस क्राउच नहीं करना है आपको, हेड पे स्कोप ओपन करके फायर करना है, तो आप देख सकते हो। थोड़ा टाइम लगेगा प्रैक्टिस में, मैंने ज़्यादा टाइम से नहीं किया था, और मेरे को लगभग 1 वीक, हाँ 1 वीक 10 दिन हुआ होगा। तो मेरा भी ऐसा प्रैक्टिस कर रहा हूँ, उसके बाद स्क्रिम्स खेलना पड़ता है, क्लासिक्स होते हैं, स्क्रिम्स अभी ज़्यादा हो नहीं रहे इससे, तो क्लासिक्स ही मेनली खेलना पड़ता है। बाकी अभी अपन सेकेंड ड्रिल की तरफ बढ़ेंगे। ओके, तो सेकेंड ड्रिल भी हमारा लगभग सिमिलर होगा, हमें इधर आ जाना है और पिक करके पहले इस टारगेट को, फिर इस टारगेट को, पहले इस टारगेट को क्राउच करके खड़े होके मारना है, उसके बाद क्राउच करके वापस से खड़े होके इस टारगेट पीक लेके, लेकिन इससे आपका वही सेम सिस्टम है कि एम इम्प्रूव होगा। सेम चीज़ आपको फॉलो करनी है। मेरा अभी परफेक्शन नहीं हुआ है, लेकिन हो जाएगा, प्रैक्टिस से ही होगा, ज़्यादा टाइम से मैं कर नहीं रहा। आप चाहो तो मेरे कंट्रोल भी देख के कॉपी कर सकते हो, 4 फिंगर खेलता हूँ मैं। आपको हर एक ड्रिल लगभग 800-800 MO लेके हर एक ड्रिल पे करना है। ओके, तो जो थर्ड ड्रिल होगा वो हम लोग का होगा एम सेक्टर। ये हम लोग PGMI के ट्रेनिंग राउंड में भी करते थे अपन, वो जो लंबे लंबे टास्क होते थे उसमें से स्विच करके, इसमें भी हम सेम चीज़ करने वाले हैं। एक टारगेट से दूसरे टारगेट, दूसरे से तीसरे, देख लो। और वो प्रैक्टिस करने के बाद आपको अगर गैप बढ़ाना है तो ये जो बीच वाला जो टारगेट है ना, उसको मतलब दूर दूर के टारगेट्स में आपको आपका एडजस्ट हो जाएगा, कोई भी आपकी सेशन में एम चेक कर पाएगा। तो मेन ड्रिल चार्ज तो यही थे, ये 3 ड्रिल चार्ज मेन थे जो कि आपका एम अच्छा करने में हेल्प करेंगे। बाकी वो सेम 800 800 एमोज लेके आपको ये चीज़ करना है प्रैक्टिस। अब 1 वीक इसको प्रैक्टिस करो, लिटरली बात मानो, बहुत अच्छा एम होगा आपका, मतलब सेक्सी एम हो जाएगा भाई आपका। तो मैं खुद प्रैक्टिस कर रहा हूँ इसको लगभग 7 दिन 8 दिन से, और मेरा एम इम्प्रूव हो रहा है, मेरे को मेरे स्क्रिम्स में, मेरे गेम प्ले में मेरे को इसका इफेक्ट दिख भी रहा है। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, वो भी सेम ट्रेनिंग ड्रिल्स का वीडियो होगा, उसमें अपन और भी बाकी ड्रिल्स देखेंगे, बाकी चीज़ के लिए मूवमेंट हो गया, ड्रिल स्प्रेज हो गए, बहुत सारा आपका ट्रेसिंग हो गया, बहुत सारा ड्रिल्स बाकी है, तो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।